आइए देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में, बीमा क्षेत्र के बारे में और शेयर बाजार के बारे में। सबसे पहले देखते हैं भारतीय स्टेट बैंक के बारे में। वर्ष 1921 में तीन प्रेसिडेंसी बैंकों, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बम्बई, बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। 19 जुलाई 1969 को 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 अन्य अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। विदेशों में भारतीय स्टेट बैंक के सर्वाधिक कार्यालय है। ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा प्रवर्तक बैंक 50:15:35 के अनुपात में पूंजी लगाती है। केलकर समिति की सिफारिश पर वर्ष 1987 में नए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना बंद कर दी गई है। राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। भारतीय महिला बैंक की स्थापना 19 नवंबर 2013 को की गई थी। भारतीय महिला बैंक की प्रथम प्रबंध निदेशक उषा अनंत सुब्रमण्यम थी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में भारतीय स्टेट बैंक 5 सहयोगी बैंकों एवं भारतीय महिला बैंक का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिया गया। भारत में मुद्रा बैंक लघु कारोबार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। भारत के प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण एवं सिक्का उत्पादन केंद्र पहले नंबर पे आता है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस जो नासिक में स्थित है। दूसरा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो हैदराबाद में स्थित है। तीसरे नंबर पे आता है करेंसी नोट प्रेस जो देवास मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये और उच्च वर्ग के नोटों का मुद्रण किया जाता है। चौथे नंबर पे आता है सिक्योरिटी पेपर मिल जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत की 4 सिक्का टकसालें भी है जो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा सिक्कों का उत्पादन तथा सोने चांदी की शुद्धता की परख करता है। 2000 के नोटों की छपाई प्रिंटिंग प्रेस मैसूर में स्थित है। अब हम देखते हैं बीमा क्षेत्र के बारे में। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल सोसाइटी थी जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1 सितंबर 1956 एवं साधारण बीमा निगम की स्थापना 1 जनवरी 1973 को हुई थी। बीमा क्षेत्र के विवादों के निपटारे के लिए 19 अप्रैल 2000 में भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसको इरडा के नाम से भी जाना जाता है की स्थापना की गई थी जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। 10 अगस्त 2000 को जनश्री बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अब हम देखते हैं शेयर बाजार के बारे में। शेयरों एवं अंश पत्रों का क्रय विक्रय वाले बाजार शेयर बाजार कहलाते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज था जिसे वर्ष 2002 में बदलकर बॉम्बे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया। वर्तमान में करीब 4800 से अधिक कंपनियां पंजीकृत है। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना वर्ष 1992 में फेरवाली समिति की सिफारिश पर की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI राष्ट्रीय शेयर बाजार का प्रमुख प्रवर्तक है। वर्ष 1992 में मुंबई में ओवल द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया की स्थापना ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधा संपन्न कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज नेक्स्ट के आधार पर की गई है। भारत के प्रमुख शेयर मूल्य सूचकांक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यह मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। इसका आधार वर्ष 1978 है तथा यह 30 प्रमुख शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। NSE 50 राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जाना जाता है का सूचकांक का नाम बदलकर SPCNX निफ्टी रखा गया है। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिसकी प्रदत्त पूंजी 50 करोड़ या इससे अधिक थी। 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है।